भरतपुर में लॉकडाउन के बीच मंगलवार को शराब की दुकानों पर अलग ही नजारा देखने को मिला। ऐसा शायद पहली बार ही हुआ होगा कि लोगों को इन दुकानों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर शराब के लिए इंतजार करना पड़ा हो। यहां शराब की दुकान खुलते ही भारी संख्या में भीड़ दुकानों की तरफ उमड़ पड़ी। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए शराब की दुकान पर दो आबकारी कर्मचारी तैनात थे, जो लोगों से सोशल डिस्टेंस की पालना करा रहे थे। उन्होंने पहले ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज भी कराया। वहीं राज्य सरकार के निर्देशों के बाद ठेकों पर शराब खरीदने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर भी नोट करने के बाद शराब दी गई। वहीं कुछ जगह लोगों ने शराब विक्रेताओं पर रेट से अधिक रुपए लेने का आरोप भी लगाया। जिला कलेक्टर ने बताया कि शराब की दुकानें खोलने से पहले आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए थे कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंस और गाइडलाइन की पालना का ध्यान रखा जाए। पहले से ही जो ठेके वाले हैं उनको बता दिया गया था कि यहाँ पे कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और जब ठेके खुले थे उससे पहले ही हम लोग भी थोड़ा सचेत हो गए थे। जैसे ठेके खुलने के आदेश आए थे तो पहले से ही ये गोले वगैरह बनवा दिए गए थे, और उसके बाद भी जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल व्यवस्था है, कोई अव्यवस्था है नहीं, लोगों में प्रॉपर डिस्टेंस भी है, मास्क भी है। तो पुलिस की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना